हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5C देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम। हमें यहाँ पे सम मीन्स प्लस, हमें प्लस करना है। ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इन फ्रैक्शंस का सम करना है। तो आइए देखते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, इसलिए मैंने लिया है। मैं ये दो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस रह जा रहे हैं वो आप लोग खुद से करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शंस का सम। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जब इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों के फ्रैक्शन सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शन हम एक बार लिखते हैं, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम वैसे ही प्लस करके लिख देते हैं। यहाँ पर पहला न्यूमरेटर 5 है, बीच में प्लस है और फिर 3 है। तो 5 प्लस 3, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए हमने 1 टाइम लिखा है। अब यहाँ पे हमने 5 प्लस 3 को ऐड किया तो लिखना है 8/12। क्लियर बेटा, इसका आंसर हो गया 8/12। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 5B में रिड्यूस करने वाला, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। तो इसमें भी हमें इससे आगे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना का मतलब कट करके शॉर्ट करके लिखना है। तो हमें ऐसा नंबर पता करना है जिसका टेबल दोनों में जाए, तो उसमें डिवाइड करना है हमें दोनों में सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब देखिए इसमें 8 है और ये 12 है, तो हमने किससे डिवाइड किया पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 8 में जाएगा 4 टाइम, और 2 की टेबल 12 में जाएगी 6 टाइम। फिर इसे देखिए 4/6 आया, इसे हम और आगे रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन हम इस पर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से हमने इसे डिवाइड किया तो आया 4 का टेबल, 2 का टेबल 4 में 2 टाइम गया, 2 का टेबल 6 में 3 टाइम गया। अब हम इसे और आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्लियर। तो इसी तरह से अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का सेम है, सेम मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिखा है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमारे चेंज है। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, तो हमें इसमें जो भी डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम मतलब एलसीएम है, डिनोमिनेटर पहला 12 है, दूसरा 5 है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड इसलिए करते हैं ताकि हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट हम हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से करते हैं। 2 की टेबल देखिए 12 में जाएगी, 2 का टेबल 5 में नहीं जाएगा, 5 एलजीबी जाएगा। फिर 2 का टेबल 6 में, 2 3 6, 5 में नहीं जाएगा, 5 एलजीबी। फिर देखिए 2 की टेबल दोनों में नहीं जाएगी, फिर हमने 3 की भी लिए, 3 का टेबल 3 में 1 टाइम, 5 में नहीं जाएगा। फिर यहाँ 1 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है, ये हमारा हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए जो हमारा आंसर आया कि सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 3 × 5, इन सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 4 × 3 12 12 × 5 = 16, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 16। अब हमें अपने दोनों साइड के डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 60 में। हम लास्ट वीडियोस में ये सब देख चुके हैं, इसी को ही रिवाइज करते हैं। तो आइए 11/12 ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो इसमें 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 60 हो जाए। तो 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका आंसर 60 मिलेगा। तो न्यूमरेटर को भी हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये होगा हमारा 11/5 = 55, 12/5 = 60, क्लियर। अब सेकेंड, इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा प्लस है 2/5। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 60 हो जाए। तो 5 को उसका उल्टा देखिए कर दीजिए, 12 को 5 से किए थे तो 5 को 12 से करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी हमने 12 से किया, इसे सॉल्व करें 11/5 = 55, 12/5 = 60, + 12/2 = 24, 12/5 = 60,
अब देखिए बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन की तरह से बन गया है। ठीक है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर को हम प्लस करते हैं। 55 प्लस 24 को हमने प्लस किया तो आया 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 2 7 16। अब देखिए बेटा इसमें इस नंबर को भी रिड्यूस करना है, आपको ये पता करना है कि इसमें किसका टेबल जाएगा। क्लियर, तो आई थिंक 79 में किसी की टेबल नहीं जाएगी क्योंकि 79 प्राइम नंबर है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बेटा, तो आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से जब तक वो रिड्यूस नहीं होता तब तक हमें करना है। क्लियर, मतलब वन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका ऐड द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इनका भी ऐड करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन का भी ऐड किस तरह से होता है, आइए मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारा होल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है, होल नंबर और ये फ्रैक्शंस को मिला के मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो होल नंबर जब हमारा होता है, इस होल नंबर को बेटा नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसे प्लस करना होता है, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहता है वही नंबर हमें लिखना होता है। क्लियर, तो यहाँ पे भी प्लस, फिर यहाँ होल तो हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर के साथ प्लस किया, फिर होल में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो नंबर हमने लिखा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो हमको 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 32 प्लस 1 मिला के हो गया 33 अपॉन 16, फिर प्लस 7 4 28 प्लस 1 29 अपॉन 4। अब देखिए बेटा ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, तो अब हम इसे जब दोनों के यहाँ देखिए डिनोमिनेटर चेंज है तो हम इस मेथड के थ्रू अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मीन्स अब हम यहाँ पे 16 और 4 का पहले एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल 16 में 8 टाइम, 2 की टेबल 2 में 4 टाइम, फिर अगेन 2 से 2 4 8 2 1 2, फिर अगेन 2 से 2 2 4 1 में 1 टाइम, 2 की टेबल फिर यहाँ पे 1, 2 की टेबल 2 में 1 टाइम, 2 1 2। अब हम अपना एलसीएम लेंगे, हम पहले एलसीएम बेटा इस तरह से लिख के करते हैं, 4 टाइम 2 है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, या इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो आपका कितना एलसीएम आया 16। क्लियर, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे 33 अपॉन 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एलसीएम 16 हो जाए डिनोमिनेटर, तो ये 16 में 16, तो न्यूमरेटर को भी हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस, फिर 29 अपॉन 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 हो जाए, 4 4 16, तो हमने न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। इसे सॉल्व करेंगे 33 बन जा 33, 16 बन जा 16, फिर प्लस 29 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 4 16, 4 4 16, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 33 अपॉन 1 प्लस 116 अपॉन 16। तो बेटा इसके आगे आप लोगों को इसे प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे रिड्यूस करके लिखना है। रिड्यूस करने का एक इजी तरीका और भी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये 6 प्लस 3 9 3 प्लस 1 4 और यहाँ 1, इसका आंसर आया है 1 अपॉन 49 अपॉन 16 आया है, तो इस 1 49 अपॉन 16 का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर
करो तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आपको इस तरह से डिवाइड करके लिखना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो